नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीपीएन ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय। पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ण परिचय, वर्णमाला पढ़ी थी ना, तो सबको याद हो गया होगा अच्छे से वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले वर्णों को पढ़ा था और वर्णों से आगे क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसके खंड नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को बच्चों क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक एक वर्ण मिलके, जैसे क क वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण है, तो क म ल क्या बना? पूरा एक शब्द, है ना। लेकिन शर्त ये है कि वो सार्थक होने चाहिए। सार्थक मतलब उनका कोई अर्थ होना चाहिए, अर्थ के साथ में होना चाहिए, है ना। उनका ऐसे नहीं है कि कोई अर्थ नहीं है, ऐसे ही कोई शब्द बना दिया, है ना। जैसे रोटी है तो रोटी का एक अर्थ होता है, बोटी तो ऐसे, चाय वाय ऐसे, मतलब निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए, है ना, सार्थक होना चाहिए। तो वर्णों के सार्थक समूह को, समूह यानी उनके ग्रुप को, यानी जैसे क वर्ण है एक, म है एक वर्ण है, ल है एक वर्ण है, अलग अलग है, उनको एक जगह कर दिया, एक पद में लिख दिया, एक शब्द में लिख दिया, तो वो क्या हो गया? उनका समूह हो गया, है ना। क्या हुआ बच्चों? समूह है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना। समझ में आ गई आपको परिभाषा? वर्णों के सार्थक शब्द, पहले वर्ण समझा आपने, वर्ण अगर नहीं समझा तो शब्द नहीं समझोगे, वर्ण समझ गए आप तो फिर उसके बाद में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे बालक क्या है? बालक बा, जैसे ब वर्ण है, ब के किसकी स्वर ध्वनि लगी, किसकी लगी? आ की, तो बा। ल क और विषर्ग, बालक बालिका, गृहम पत्रम इत्यादि संस्कृत भाषा में इत्यादि हैं, ये कौन है, ठीक है, इत्यादि ये शब्द है, ठीक है। फिर नीचे बताया संस्कृत भाषा में लिंग के तीन भेद होते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो जो ये शब्द हैं बालकः, बालिका, गृहम, ये तीनों अलग अलग लिंगों के हैं। बालक जो शब्द है वो पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग शब्द जो है, बालिका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, और गृहम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का है। तो मैंने ये आपको परिचय दे दिया था बच्चों कि पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, जिनके अंत में ए की ए आता हो, ए की ध्वनि आती हो, जैसे बालक, है ना। ये सारा वीडियो मैं बता चुकी हूँ आपको, समझा चुकी हूँ। इसको समझ में नहीं आया वो बता देना, मैं दोबारा एक वीडियो बना दूँगी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का, ठीक है। तो और आज इसमें यही हम पढ़ेंगे, तो दोबारा सबके सबको एक साथ और बता देंगे। तो पुल्लिंग की पहचान क्या होती है? उनके अंत में ए की ध्वनि आती है एक वचन में, है ना, और उसके द्विवचन बहुवचन रूप अलग होते हैं। वो सारा हम तीनों जो लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के तीनों वचन पढ़ेंगे हम। जैसे पुल्लिंग का बालक है तो बालक है, बालकऊ, बालका, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे तीनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पुल्लिंग हो गए। लिंग कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में लिंग के तीन भेद होते हैं, ये भी आपको याद करना है। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। आपकी बुक का पता नहीं है कब आए कब नहीं आए, तो आपको ये जो मैं करवा रही हूँ ये लिखना है। क्या लिखना है इसमें से? सबसे पहले तो आपको लिखना है वर्ण का, तो आपका हो ही गया होगा, वर्ण की परिभाषा वगैरह सब इसमें बाद में लिखना है। ये शब्द परिचय नाम लिख के जो है शब्द का परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। फिर संस्कृत भाषा में लिंग कितने होते हैं? तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है, इनके के लिए। फिर एक वचन, द्विवचन, ये सब समझाए हुए हैं, लेकिन ये लिख लेना आप, परिभाषा में काम में आएगा। संस्कृत भाषा में वचन के भी क्या होते हैं? तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जो एक की संख्या बताता है, द्विवचन तो जो दो की संख्या बताते हैं, और बहुवचन जो अनेक की संख्या बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वचन। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग को तीनों वचनों में। पुल्लिंग शब्द, देखिए बालक, बालक क्या होता है? लड़का होता है। क्या होता है? बाल है, और बालक क्या होता है? लड़का होता है। शिशु, वो भी क्या होता है? वो बच्चा होता है।
तो तीनों वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिख रहे ना आपको। ये देखिए एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन, ठीक है। तो इनके तीनों रूप पढ़ेंगे। तो एक अगर बालक है तो उसको क्या बोलोगे, बालक है। क्या बोलोगे, बालक है। दो अगर बालक है, दो अगर बच्चे हैं तो उनको क्या बोलोगे, बालकौ, बालकौ। और अनेक जो है उनको क्या बोलोगे, बालकाः। क्या बोलोगे, बालकाः। तो बालक है, बालकौ, बालकाः, एक साथ याद करोगे। अब कोई भी पुल्लिंग शब्द हो उनके तीनों वचन इसी प्रकार से होंगे, ठीक है ना। बालक है, बालकौ, बालकाः, बालक है, बालकौ, बालकाः। अब जैसे सर्वनाम का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष का क्या होता है, सह, तौ, ते। देखो बालक है, सह एक जैसा आ रहा है, बालकौ ऊपर दो मात्राएं हैं तो तौ के भी दो मात्राएं हैं, बस ते जो है थोड़ा अलग है। बहुवचन में, सर्वनाम में ते ही प्रयोग में लाया जाता है। और वैसे बच्चों की संख्या बताने के लिए, किसी की संख्या, संज्ञा पुरुष की संख्या बताने के लिए आहा की ध्वनि लगती है ना, बालक के आहा, आहा की ध्वनि लगी हुई है ना। तो जैसे बनाएंगे, वह बालक है तो सह बालक है, वह बालक है, अस्ति भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना अस्ति के आपको समझा रही हूँ। सह तो प्रथम पुरुष के जो तीनों है ना, तो उसी प्रकार ये तीनों है। तो प्रथम पुरुष का जैसे एक वचन है सह, सर्वनाम का, ठीक है, सह यानी वह। और इसमें, इसमें संज्ञा शब्द में क्या है, बालक है ना, तो सह बालक है। वे दो बालक है, वे यानी तऊ, तब यानी वे दो, तो तऊ बालकऊ क्या आएगा, तऊ बालकऊ। साथ साथ समझा रही हूँ आपको, चाहे टाइम लग जाए लेकिन साथ साथ आप समझिए। फिर अनेक है तो जैसे वे सब बालक है तो ते बालका है। अस्ति इस तरह संधि भी लगा सकते हैं, पहले में सह बालक है अस्ति, दूसरे में तऊ बालकऊ इस तरह, और ते बालका संति, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है, आपको ये तीनों वचन में याद करने हैं और जो संस्कृत के शब्द हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अश्व है, क्या है, अश्व है। आप इनका उच्चारण कीजिए, उच्चारण करोगे तभी इनको बोलना सीखोगे। अश्व है, अश्व है, क्या होता है, घोड़ा, हॉर्स। अश्व है, अश्वउ, अश्वहा। एक घोड़ा अश्व है, दो घोड़े अश्वउ, अनेक घोड़े अश्वाहा। मैं अगर बोलूँ, मैंने आपको अगर ऐसे दिया कि निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए, तो मैंने उसमें लिखा अश्वउ, क्या लिखा, अश्वउ, और क्या लिखा, बालकाहा। तो अश्वउ का आप केवल घोड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घोड़ा, तो वो क्या होगा, रोंग उत्तर होगा, है ना, क्योंकि अश्वउ का क्या होगा, दो घोड़े, है ना, दो घोड़े। आप एक ऐसे घोड़ा लिखोगे तो जैसे कि अश्व घोड़ा होता है, ऐसे लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा। अश्वाहा, उसका घोड़ा लिखा तो गलत माना जाएगा। घोड़ा किसका सही होगा, क्योंकि एक के आगे लगाने की जरूरत नहीं है, एक है, ठीक है, अश्व है, तो आप लिख सकते हैं घोड़ा, और क्या लिख सकते हैं, एक घोड़ा। अश्व है तो दो घोड़े कंपलसरी है लिखना, और अनेक घोड़े अश्वाहा अगर है तो अनेक घोड़े लिखना कंपलसरी है। बस एक वचन वाली जो संख्या है उसमें आप लिख सकते हैं घोड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही बालकौ, तो आपने लिखा लड़का, तो एकदम रॉन्ग उत्तर होगा आपका। बालकौ अगर मैंने दिया है तो आपको क्या करना है, दो बालक, दो मात्राओं से भी पहचान जाएंगे आपकी द्विवचन की संज्ञा है। बालका अगर दिया है तो अनेक लड़के या अनेक बालक, ठीक है। बालक शब्द हिंदी में भी होता है, तो बालक आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये बालक है। तो वो बालक है, एक लड़का या लड़का, ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर है गज है, गज है क्या होता है, हाथी, क्या होता है, हाथी। गज गजऊ गजहा, गज है गजऊ गजहा। यंत्र आया तीनों वचनों में, बस क्या चेंज हो रहे हैं, शब्द चेंज हो रहे हैं, अलग अलग जो हम शब्द ला रहे हैं, जिससे आपकी जो शब्द है वो भी आपको याद हो जाएंगे, अलग अलग ही कौन से शब्द को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, लेकिन उनके तीनों जो वचन हैं वो एक जैसे चलते हैं। एक याद कर लिया तो उसके अनुसार आप कोई भी शब्द का तीनों वचन बना सकते हो। पहले में क्या है, मुख्य शब्द है,
मुख्य शब्द ले लिया संस्कृत का और उसकी विसर्ग लगा हुआ है गज है, ठीक है। द्विवचन में गजौ है ना, दो मात्राएं हैं, बालकौ अश्वौ, और बहुवचन में जो मुख्य शब्द है उसके आह की ध्वनि लग जाएगी, यानी आह की आ की मात्रा लग के विसर्ग हो जाएगा, है ना, गज है, और मात्रा किसकी लगी है, गजा गजा और फिर विसर्ग, यानी आ की मात्रा और विसर्ग, तो गज है गजऊ गजहा, ठीक है। और आपको बताती हूँ पुल्लिंग शब्द, हाँ जी, ये और पुल्लिंग शब्द है, जैसे सिंह है शेर, सिंह क्या होता है शेर, शेर को संस्कृत में क्या बोलोगे, सिंह है, सिंह है, सिंह है, सिंगऊ सिंगहा, सिंह एक शेर, सिंगऊ दो शेर, सिंगहा अनेक शेर, है ना, जो दो से ज़्यादा होते हैं वो अनेक में आते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा जो होते हैं वो अनेक में आते हैं। तो देखो ऊपर से आपको दिख रहे हैं, चित्र में भी दिख रहे हैं ना, सिंह के ऊपर क्या है, मैंने आपको ये फोटो इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप इनको अच्छे से देख सकें, सिंह क्या है, एक शेर की फ़ोटो है, सिंह दो शेरों की फ़ोटो है, सिंहा अनेक शेरों की फ़ोटो है, फिर है वानर है, वानर बंदर क्या होता है, बंदर, वानर नाम सुना है ना, वानर संस्कृत में वानर है, तो जो वानर मुख्य शब्द है उसे उसके विसर्ग लग गया तो क्या हो गया, एक वचन, पुल्लिंग का एक वचन, वानर है एक बंदर, वानरऊ दो बंदर, वानरहा अनेक बंदर, ठीक है। ये शब्दों के अर्थ याद होने चाहिए, तीनों वचन याद होने चाहिए, और जो जो तीनों परिभाषाएं ऊपर थी वो याद होनी चाहिए। फिर है कपोतः, कपोतः क्या होता है, कबूतर, कपोतः कपोतऊ कपोता, कपोतः कपोतऊ कपोता, एक कबूतर दो और अनेक। फिर है शुक है, शुक है यानी तोता, शुक शुकऊ शुका, शुक है शुकऊ शुका, एक तोता शुक, दो तोते शुकऊ, अनेक तोते शुका, ठीक है। फिर है सैनिक है यानी सिपाही, सैनिक सैनिकऊ सैनिका, चित्र में भी दिख रहे हैं, सैनिक एक सैनिक, सैनिकऊ दो सैनिका, अनेक सैनिक, ठीक है। ये आपका हुआ पुल्लिंग का। तो कल हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के शब्द, ये सारे जितने भी हैं 8-10 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तीनों वचन में आपको याद होने चाहिए। और भी आपको मैं वो भेज दूँगी, फ़ोटो भेज दूँगी और भी पुल्लिंग शब्दों की, उनके भी आप तीनों वचन बनाओगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।